नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर एन के सिन्हा और आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम लोग बातें करेंगे एक बहुत ही गंभीर बीमारी के बारे में, जिसे हम लोग हृदय रोग और अंग्रेजी में हार्ट डिजीज के नाम से जानते हैं। साधारणतः हृदय रोग के संदर्भ में हम तभी सतर्क होते हैं जब हार्ट अटैक हम लोगों को हो जाता है। उस समय हम लोग बहुत ही अटेंटिव हो जाते हैं, पेशेंट को डॉक्टर के पास ले जाते हैं, फिर जिस भी तरह का ट्रीटमेंट होता है हम उसे देते हैं और हमेशा के लिए दवा के चंगुल में फंस जाते हैं। साधारणतः आप याद रखें, 70% जब हार्ट प्रॉब्लम अंदर से ग्रो कर जाता है तभी वो बाहर दिखता है, यानी कि हम लोग टाइम देते हैं हार्ट प्रॉब्लम को अपने अंदर ग्रो करने का। और जब ये पूरा ग्रो हो जाता है तब, और जब इसका घातक प्रभाव हम लोगों पर एंजाइना पेक्टोरिस या फिर हार्ट अटैक के रूप में दिखता है तब हम लोग पेशेंट को डॉक्टर के पास लेते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 70% हार्ट प्रॉब्लम जो हमारे अंदर पनपता रहता है वो हमें कोई फिजिकल सिम्टम्स नहीं देता है। इसके अनेक फिजिकल सिम्टम्स उभरते हैं लेकिन अज्ञानता के अभाव में हम लोग इसे इग्नोर करते हैं और इसका परिणाम बहुत ही घातक होता है। आज का हमारा टॉपिक यही है। फिजिकल सिम्टम्स को समझेंगे जो हार्ट अटैक के पहले हमारा शरीर हमें बतलाने लगता है, लेकिन या तो हम उसे ओवरलुक करते हैं या तो फिर उस पर कोई ध्यान नहीं देते हैं। मैं समझता हूं इन लक्षणों को सभी लोगों को जानना बहुत ही आवश्यक है, तो चलिए इन्हें जान लेते हैं। मैंने यहां पर हार्ट डिजीज के पहले होने वाले 11 फिजिकल सिम्टम्स को लिखा है। आप याद रखें, यदि आपके शरीर में इन 11 लक्षण में से यदि कोई भी 4 या 5 लक्षण बहुत लंबे समय तक आपके शरीर में बना रहता है और आप इसे कंटिन्यूअस फील करते हैं तो आपको सतर्क हो जाने की आवश्यकता है और आप तुरंत डॉक्टर से जाकर इसके बारे में बातें करें और जो भी इलाज होता है आप इसे तुरंत प्रारंभ कर दें। आइए अब इन लक्षणों को पहले हम लोग डिटेल में समझ लेते हैं। सबसे पहले चेस्ट डिस्कम्फर्ट, जिस व्यक्ति को हृदय रोग का प्रारंभ होता है वहां उसके छाती में एक डिस्कम्फर्ट की स्थिति बन जाती है, उसे बेचैनी छाती में महसूस होता रहता है, भारीपन लगता है और भी छाती में तरह तरह के सेंसेशन फील होते हैं। दूसरे नंबर में नौसिया, इंडाइजेशन, हार्टबर्न और स्टमक पेन, उल्टी, अपच, हार्टबर्न, सीने में जलन और पेट में दर्द, ये लक्षण भी समय समय पर उस पेशेंट में एपियर होते हैं जिनमें हृदय रोग आने वाला होता है। याद रखें, यदि ये लंबे समय से चला आ रहा हो तो आप तुरंत सतर्क हो जाएं। पेन स्प्रेड हुआ, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण सिम्टम्स है। इसमें क्या होता है कि आपके छाती में बाएं तरफ से दर्द या डिस्कम्फर्ट प्रारंभ होता है और फिर धीरे धीरे आपके लेफ्ट आर्म में आ जाता है और इसमें भारीपन, झुंझुलाहट या फिर नमनेस, ठंडापन आने लगता है और इस स्थिति में आपको तुरंत ही सतर्क होने की आवश्यकता है। डिजीनेस और भर्टिगो, चलते हुए आपको चक्कर आएगा या आपके सामने तारे की तरह उड़ते हुए नजर आएंगे, आप चक्कर खाकर गिर सकते हैं, तो इस पर भी आपको ध्यान देना है। फिफ्थ, थ्रॉट और जॉ पेन, गला या फिर जबड़े में दर्द, ये थोड़ा सा हार्ट डिजीज के सिम्टम्स से अलग लगता है लेकिन आपको ध्यान देना है। यदि आपके छाती में डिस्कम्फर्ट लगे
और उसके बाद ये डिस्कम्फर्ट ऊपर चलता हुआ आपके गले तक पहुंच जाए, गले में दर्द होने लगे, या फिर आपके जबड़े तक चला जाए और जबड़े में भी दर्द होने लगे। याद रखें, साधारणता तो थ्रॉट या जॉ पेन एक अलग ही बीमारी होता है, लेकिन यदि ये एसोसिएट कर रहा है चेस्ट डिस्कम्फर्ट से, छाती में हल्का दर्द है, गैस है, और फिर ये ऊपर चढ़ने लगे, गले और जबड़े में आ जाए, तो ये हृदय रोग का सिम्टम्स होता है। नेक्स्ट है एग्जॉशन, थकान। आप थोड़े से चलेंगे या दौड़ेंगे आप तुरंत थक जाते हैं। 7 नंबर स्नोरिंग, आप यदि सोते हैं तो फिर खर्राटे भरकर सोएंगे। यदि ये लंबा समय से चला आ रहा हो, और यहां पर जिन लक्षणों को मैं बतला रहा हूं उसमें से कुछ लक्षण स्नोरिंग यानी कि खर्राटे के साथ एसोसिएट कर जाए, तो ये हृदय रोग के लक्षण के अंतर्गत आता है। स्वेटिंग, लगातार पसीना होना, फिर वही बातें हैं, ऊपर दिए गए सभी लक्षणों में से दो चार लक्षण किसी भी व्यक्ति के शरीर में मिल रहे हैं, साथ में पसीना आ रहा है, तो हृदय रोग को ये इंगित करता है। कंटिन्यूअस कफिंग, खांसी जो लगातार बना रहता है, आपके शरीर से जाता नहीं है, और खांसी के साथ चेस्ट डिस्कम्फर्ट, सीने में बेचैनी लगातार बनी रहे, तो ये भी हमारा फिजिकल सिम्टम्स है हार्ट प्रॉब्लम का। अब नेक्स्ट है सॉलन लेग्स, फिट्स, एंकल्स, पैर या फिर एंकल्स में स्वेलिंग हो जाता है। ऐसा होने का प्रमुख कारण होता है जो हमारे एंकल्स या लेग के जो वेंस होते हैं वो कोलेस्ट्रॉल के कारण या फैट्स के कारण सिकुड़ते चले जाते हैं, जिसके कारण वहां पर रक्त का प्रवाह सही तरीके से नहीं होता है, परिणाम स्वरूप लेग्स, फिट्स, एंकल सभी फूल जाते हैं। अब 11 सिम्टम्स है इरेगुलर हार्ट बीट, जब आप अपने हृदय के धड़कन को अनियंत्रित महसूस करें, इसमें एक सीक्वेंस ना हो, तो ये एक बड़ा ही डेफिनेट सिम्टम्स है हार्ट डिजीज का। अब यहां पर मैं आपको बतलाना चाहूंगा, इनमें से जितने भी लक्षण आप देख रहे हैं, जैसे कि चेस्ट डिस्कम्फर्ट, नौसिया, इंडाइजेशन, हार्ट बर्न, स्टोमिक पेन, डिजीनेस और वर्टिगो, थ्रॉट और जॉ पेन, एग्जॉशन, स्नोरिंग, स्वेटिंग, कंटिन्यूअस कफिंग और सॉलन लेग्स, फिट्स और एंकल्स, जितने भी सिम्टम्स पर मैंने टिक किया है, ये सभी अलग अलग रोग हैं, लेकिन ये हृदय रोग हार्ट डिजीज के लक्षण तभी बनते हैं जब रोगों का कॉम्बिनेशन बनने लगता है। जैसे कि मुख्य सिम्टम्स है आपको पेन स्प्रेड टू आर्म, छाती में आपको भारीपन महसूस हो और दर्द जो है बाएं हाथ तक आने लगे, इसके बाद इरेगुलर हार्ट बीट, आपको अपना धड़कन या हार्ट बीट सही तरीके से संतुलित ना लगे, साथ में चेस्ट में डिस्कम्फर्ट के साथ पेन भी लगातार बाएं तरफ हो, तो ये तीन चीज पेन, पेन स्प्रेड टू आर्म और इरेगुलर हार्ट बीट, ये तीन निश्चित लक्षण के साथ, यदि इन सभी दिए गए लक्षणों में से कुछ लक्षण आपके शरीर में महसूस हो रहे हो, जैसे चेस्ट डिस्कम्फर्ट या पेन है, साथ में बाएं हाथ की ओर भी पेन स्प्रेड कर रहा है, हार्ट बीट इरेगुलर है, इसके साथ स्नोरिंग, स्वेटिंग और नौसिया, इंडाइजेशन, हार्ट बर्न और स्टोमिक पेन है, तो ये निश्चित रूप से आपको हार्ट डिजीज का सिम्टम्स माना जाएगा। तो आपको ध्यान देना है, ये सभी प्री हार्ट अटैक के सिम्टम्स हैं, आप इसे बॉडी लैंग्वेज भी कह सकते हैं, आपका शरीर बोलकर आपको इंगित करने लगता है कि आप सतर्क हो जाए, आप में हृदय रोग यानी कि हार्ट डिजीज का प्रारंभ हो चुका है। और यदि आप सतर्क नहीं होते हैं, इन सभी लक्षणों को ओवरलुक करते रहते हैं, तो जब ये प्रॉब्लम 70% तक आपके अंदर ग्रो कर जाएगा, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा 70% हो जाएगी, और उस समय यह तो एंजाइना पेक्टोरिस या हार्ट अटैक के रूप में परिलक्षित होगा, तब तक देर हो चुका होगा। तो आपको बॉडी लैंग्वेज या फिजिकल सिम्टम्स ऑफ हार्ट डिजीज आपको जानने की आवश्यकता है। आपके परिवार में किन्हीं को भी या
खुद आप में यदि ये लक्षण इंगित होते हैं तो पहले से सतर्क हो जाएं और आप डॉक्टर के पास जाकर एडवाइस लें और इससे बचने के लिए आप तुरंत सक्रिय हो जाएं, तभी आप हृदय रोग को टाल सकते हैं। फ्रेंड्स, आगे की वीडियो में मैं आपको हृदय रोग से जुड़े दवाई और टेस्ट के बारे में बताऊंगा कि आपको कंफर्म होने के लिए किन किन टेस्ट को करवाना चाहिए, साथ में कौन सी दवाई आपको लेनी चाहिए, साथ ही आपका फिजिकल एक्टिविटी क्या होना चाहिए, व्यायाम, योगा या फिर क्या आपका फिजिकल एक्टिविटी होगा, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। आशा करता हूं यह वीडियो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण साबित हुआ होगा और आप इस महत्वपूर्ण वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें और वीडियो स्किप करने के पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आपने इस वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।